हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रसोई। आज की रेसिपी बहुत ख़ास है, वो है कॉर्न कबाब, जिसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। इसके सारे इंग्रेडिएंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। कॉर्न कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप ताज़े कॉर्न लिए हैं। इन्हें मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, फिर इन्हें बॉईल करके लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया है। इस मिक्सी जार में हम कॉर्न को डाल देंगे, सारे कॉर्न नहीं डालने हैं, 2 चम्मच बचा लेंगे। और अब जार का ढक्कन लगा के कॉर्न को दरदरा पीस लेंगे। दरदरा मीन्स बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा पेस्ट बनाना है। अब एक बड़ा बोल लेंगे और इस बोल में कॉर्न के पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर जो पहले हमने 2 चम्मच कॉर्न बचा के रखे थे ना, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें बॉइल्ड ग्रेट किया हुआ आलू ऐड कर देंगे, प्याज, शिमला मिर्च, ग्रेटेड अदरक, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, चॉप्ड पुदीना पत्ते, हरा धनिया चॉप्ड, नींबू का रस ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक दूसरे बोल में पानी लिया है और 2 ब्रेड के पीस लिए हैं। अब इस पानी में ब्रेड को डिप कर देंगे, फिर इसे निकाल कर दबा दबा के सारा पानी अलग कर देंगे और फिर ये ब्रेड भी इस मिक्सचर में मिला देंगे। साथ ही इसमें चावल का आटा और बेसन भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें आ गई हैं, अब इसे खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में खूब अच्छे से घुल मिल जाएं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तैयार है ये। अब इसे ढककर 5 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपका मिक्सचर थोड़ा चिपचिपा हो जाए, गीला सा हो जाए ना, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिला लें, मिक्सचर बराबर हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, अब मिक्सचर को चेक करें। अरे वाह, बढ़िया सेट हुआ है। अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर लेंगे और कबाब के मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे, एक बॉल के बराबर। फिर इसे थोड़ा लंबा करेंगे। फिर इसे अब और सुंदर बनाने के लिए इसमें ये आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे, इस तरह से। फिर सब तरफ से दबाते हुए ये शेप दे देंगे लंबी लंबी। तैयार है ये, और इसको अलग रख देंगे। अभी फिर से मिक्सचर लेंगे दोबारा और फिर गोल करेंगे, बराबर करेंगे सब तरफ से, प्रेस करते हुए लंबी शेप दे देंगे आइसक्रीम स्टिक लगा के, अच्छी सी शेप दे देंगे। ये देखिए, सारे कबाब बनकर तैयार हैं। अब मैं इन्हें शैलो फ्राई करूँगी। इन्हें शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने इस पैन में ऑयल गरम करने के लिए वो रख दिया था। ऑयल गरम हो गया है, बहुत तेज़ ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए। अब इसमें शैलो फ्राई करने के लिए धीरे से कबाब डालेंगे। पहले थोड़े कम डालेंगे, धीरे से ऑयल में डाल देंगे, फिर थोड़ा सा पक जाएंगे तो फिर इनको पलट देंगे। पलटते पलटते हुए इन्हें गोल्डन कलर आने तक शैलो फ्राई करेंगे, फिर इन्हें निकाल कर रख लेंगे। डायरेक्ट प्लेट में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये नरम पड़ जाएंगे नीचे से, इस कूल रैक में रखेंगे। ये लीजिए, मेरे चटपटे क्रिस्पी ज़बरदस्त टेस्टी कॉर्न कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन कबाब को मैंने मिंट चटनी, प्याज के लच्छों और नींबू के साथ सर्व किया है। लग रहे हैं ना, बिल्कुल होटलों में मिलने वाले कॉर्न कबाब की तरह। इनका एक ट्राई तो बनता है ना। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।